हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो टेस्ट भेजे गए, आज उसमें हम उसका एक कॉपी दिखाएंगे आपको और चेक करते हैं आपके सामने कि उन्होंने उसमें कॉपी में उन्होंने कैसा लिखा, क्या कमियां थी, क्या उसमें अच्छी बात है। राइट, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 24 टेस्ट हैं और 2500 रुपीज़ इसका फीस है। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है कि जैसे पेपर वन से लेके पेपर थ्री, ये जो पार्ट ए और बी में जो डिवीजन है, तो हर पार्ट के दो टेस्ट होते हैं। पार्ट ए के दो होंगे, बी के दो होंगे, और उसके बाद पूरा पेपर का एक टेस्ट होता है। पेपर फोर, फाइव, सिक्स, इनके दो दो टेस्ट होते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें भेजते हैं, उसके बाद उसको चेक करके आपको वापस कर देते हैं। इसका कोई मॉडल आंसर हम इस फीस में आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी जो है रिफ्लेक्ट होता है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर वन पार्ट ए का पहला, मोंटेस्क्यू के बारे में, कि मोंटेस्क्यू कौन थे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि मोंटेस्क्यू पुनर्जागरण कालीन दार्शनिक था। तो मात्राओं की थोड़ा सा मिस्टेक है, उन पर ध्यान देना है। पुनर्जागरण, ये पूर्ण जागरण हो गया, पुनर्जागरण। कालीन दार्शनिक, तो दार्शनिक में भी मिस्टेक है। ये हिंदी है तो हिंदी में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो दार्शनिक था, हालांकि ये सही है, ये र चढ़ा हुआ है, करेक्ट है, ये सही है, गलत नहीं है। इसने शक्ति के पृथक्करण नामक सिद्धांत को दिया। दो फैक्ट आ गए, दो नंबर इनको यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट, बट दो लाइनें और बढ़ाना चाहिए। 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए आपको दो लाइनें और एक्सप्लेन करना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अदरवाइज इस कंडीशन में वो एक नंबर देके छोड़ देता है। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है वोल्टेयर के बारे में। वोल्टेयर के बारे में तीन नंबर में लिखा है। वोल्टेयर को ना लिख करके इन्होंने नागार्जुन पर फोकस किया है। नागार्जुन के बारे में जो पूछा है कि नागार्जुन बौद्ध भिक्षु था, शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कनिष्क का दरबारी था। अच्छी बात है, गुड, तीन नंबर मिलना चाहिए, बट दो नंबर देना मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो दो नंबर आसानी से हो जाते हैं। राइटिंग अच्छा है, बस सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने प्लान पेपर पे लिखा है। एमपीपीएससी में प्लान पेपर की कॉपी नहीं आती है, वहाँ पर जो कॉपियाँ आती हैं वो लाइनिंग वाली आती हैं। नेक्स्ट पूछा गया है दांते के बारे में। नेक्स्ट, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ, जिसके अंतर्गत दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये ठीक है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, मगर इसमें पूना पैक्ट हुआ था जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था उसके खिलाफ। तब आरक्षण की मांग जो थी वो छोड़ दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग, और आरक्षण उसमें दिया गया था। तो बिल्कुल इनके पॉइंट सटीक हैं, दो नंबर यहाँ पर दिए जा सकता है। अगला क्वेश्चन था चौथ के बारे में। तो चौथ के बारे में लिखा यह, मराठा सरदारों द्वारा उपज का एक चौथाई भाग, जिससे पड़ोसी राज्यों में लूटपाट न करने के बदले में लिया जाता था। तो इसको पॉइंट में भी बना सकते हो कि मराठा द्वारा उपज का 1/4 पड़ोसी राज्य लूटपाट के बदले में न लिया जाए, इसके लिए था, दो नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है सरदेशमुखी, यानी ये एक कॉमन क्वेश्चन था चौथा सरदेशमुखी को लेकर के, है ना। तो दोनों लिखे इन्होंने, उपज का 1/2 भाग, क्योंकि ये मराठाओं वहाँ स्वयं के सरदेशमुख मानते थे। 1/2 की जगह ये 1/10 होना चाहिए, तो फिर भी इन्हें दो तीन नंबर दिए जा सकते हैं, बट गलती होने की वजह से दो नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट, केशवदास के बारे में पूछा था। तो केशवदास बुंदेला नरेश के दरबारी कवि, ओरछा के बुंदेला नरेश के दरबारी कवि, सही बात है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ये भी सही है। रचनाएँ भी लिखी गई हैं, रचनाएं भी लिख दी गई, रसिक प्रिया केशव चंद्र का, तीन नंबर आसानी से बनता है। अगला क्वेश्चन था सूरत अधिवेशन, सूरत जो स्प्लिट हुआ था 1907 में हुआ था, अध्यक्ष राज बिहारी, अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद था, गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन, काफी पॉइंट है, तीन नंबर मिल सकते हैं, है ना। दो तो मिलेंगे ही, तीन भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इबादत खाना, इसकी स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई। उद्देश्य सभी धर्मों को इबादत का अधिकार दिया गया।
बाद में इसे बंद कर दिया गया। दो नंबर यहाँ पर मिलेंगे, राइट। मोटिव जो है और स्पष्ट होना चाहिए, मोटिव क्या था। तो अकबर वास्तव में अपने आप को महान घोषित करना चाहता था, बट दो नंबर आसानी से मिलेंगे। अष्ट प्रधान के बारे में पूछा गया था कि अष्ट प्रधान जो होती है उसके बारे में, तो इन्होंने लिखा है कि अष्ट प्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद को कहा जाता था। पेशवा, चिटनिस, पंडित, राव आदि शामिल थे। वेरी गुड, शिवाजी को सलाह देने का कार्य करते थे। ये अच्छा आंसर है। आप पूरे आठ नाम नहीं बता सकते, लेकिन आदि लिख करके बिल्कुल कह सकते हो। तीन नंबर यहाँ पर इनको मिल जाते हैं। चैत्य और विहार पूछा था। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल चैत्य होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो एक फैक्ट और लेके आओ चैत्य और विहार में, तब जाकर के आपको नंबर मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप देखना, वहाँ पर एक नंबर भी मिलेगा, दो भी देने में उसको तकलीफ होती है। बट मैं यहाँ पर 1+1 यानी दो नंबर इनको दे सकता हूँ। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का महान शासक जौनपुर, काम क्या किए थे? नहर निर्माण, दीवान, अन्य वंदगान आदि कल्याणकारी कार्य किए थे। दो नंबर। अब ये प्लेन पेपर में एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि हम नीचे की ओर झुकते जा रहे हैं या ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, लाइनिंग में बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है, तो उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एनी वीसेंट और इक्तादारी और बचा हुआ है, देखें इन्होंने लिखा है कि नहीं। एनी वीसेंट के बारे में लिखा कि ये आयरिश महिला थी, 1893 को भारत आई, कॉमन बिल आंदोलन, इन्होंने होम रूल लीग चलाया 1917 में कांग्रेस की, सारे फैक्ट हैं इस पर। तीन नंबर इनको बिल्कुल बनते हैं, ये इनका अधिकार है। एकताधारी व्यवस्था शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। उद्देश्य विशाल साम्राज्य नियंत्रण, निश्चित भूभाग पर राजस्व वसूली हो तो एकताधार की नियुक्ति। तो देखो ये ठीक है, ये कुछ कुछ ठीक है, सैलरी के बदले में दी जाती थी वो सारी बातें। दो नंबर इसमें मिलेंगे, तीन नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें देने होते हैं 100 शब्दों में, ठीक। तो देखें क्या लिखा हुआ है। पहला, एनी वीसेंट, ये रिपीटेशन हो गए हैं वही दोबारा से, 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं लिखी है, ठीक है, इस फीचर्स ऑफ रेनेसा। तो इन्होंने लिखा है पुनर्जागरण का काल का अर्थ फिर से जागना, अर्थात मध्यकाल में अंधकार समाज में प्रकाश फैलाना। बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। विशेषताएं, मानववाद पर जोर दिया गया, मानव के विकास पर जोर दिया गया, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने मानववाद के विकास में योगदान दिया। रिपीटेशन दिखा है इस सेंटेंस में, तो रिपीटेशन से आपको बचना है, राइट। रिपीटेशन से आपको हर स्थिति में बचना है, रिपीट नहीं होना है। इसके संदर्भ में मैं आपको जो आयोग की ओर से मॉडल आंसर भेजा जाता है उसका एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या लिखते हैं, क्या चाहते हैं। ये आपके लिए निश्चित ही बेनिफिट होगा। वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। यानी वैल्यूअर को जो मॉडल आंसर भेजा जाता है उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश होते हैं कि आप पेपर चेक करते समय, कॉपी चेक करते समय किस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में मैं आपको, आप चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसका अगर मुझसे बोलो कि मैं वो PDF और वो सब, तो सॉरी वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इश्यूज होते हैं। देखें यहाँ पर मॉडल आंसर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथा निर्देशित शब्द संख्या की सीमा में अथवा निबंधात्मक उत्तर लिखते समय पूछे गए प्रश्न की मर्यादा का उल्लंघन न करें। यानी वर्ड लिमिट उनका स्पष्ट रूप से कहना है। यह अपेक्षित है एक ही वाक्य को घुमा फिरा कर दोहराव, तर्कहीन, असंगत और प्रसंग से हटकर उत्तर लिखने वालों को अधिक महत्व न मिले। तो जब रिपीटेशन होता है और लॉजिकली वो फिट नहीं होता है तब उसको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाना, यह आवश्यक है। उत्तर प्रश्नानुसार सटीक सदीवी भाषा में समर्थित प्रसंग अथवा संदर्भ के साथ हो तो परीक्षार्थी को समुचित अंक प्राप्त करने की पात्रता। जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से आंसर हो, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल संतुलित हो, जो पूछा गया है उसी के साथ में उसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न या प्रश्न भाग समकालीन अथवा तात्कालिक प्रसंगों के विशेष संदर्भ में पूछे गए। यानी कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो करेंट्स के संबंध में आते हैं,
ठीक है, जिसके पीछे मूल भावना क्या है, परीक्षार्थी की विषय पर पर्याप्त पकड़ को आंकना। क्या आपको उसकी बारे में कितनी नॉलेज है, उसका कितना एनालिसिस कर पाते हो, साथ ही उत्तर प्रस्तावित पाठ्यक्रम की परिधि के बाहर ना हो, राइट, यह देखना भी आवश्यक है। ये शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस इतने दिए जाते हैं वैल्यूअर को। उसके बाद जो मॉडल आंसर होता है उसमें क्या लिखा होता है, तो उस मॉडल आंसर में आगे जो भी प्रश्न है उसका आंसर लिखा होता है, राइट। तो ये चीजें ध्यान देने की है, इसको आप सब ध्यान दे सकते हो, ठीक। तो ये जो पहला पॉइंट था इनका, केस काल में मानव के विकास पर जोर दिया गया, मानववाद के विकास में योगदान दिया, दोहराव जैसी चीज नहीं, आप इनका ही लिखिए ना मॉन्टेस्क्यू का। फिर व्यक्तिवाद की बात की गई, इसके अंतर्गत कला को ईश्वर का वरदान न मानकर स्वयं के गुणों की महत्व थी, मोनालिसा साधारण महिला। तो व्यक्तिवाद पर जोर दिया जाता है वो इन्होंने लिखने की समझाने की कोशिश की है, लेकिन व्यक्तिवाद में जो कला का उदाहरण दिया है कि कला ईश्वर का वरदान न मानकर, व्यक्तिवाद से मतलब है व्यक्ति उसकी योग्यता को भी जोर देना, है ना, वो सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो ये कुछ ठीक है, आधा पॉइंट रिलेवेंट है, आधा उससे रिलेवेंसी नहीं रखता है। नई खोजें, कुस्तुंतुनिया के पतन के बाद नई खोज, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, ठीक, वास्को डी गामा यहाँ पर आ गया, तो ये सब चीजें भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। गुड। आविष्कार, स्टीम एंड जॉब्स ने भाप का इंजन, गन मशीन, प्रिंटिंग प्रेस नए आविष्कार होते हैं, वेरी गुड। पुनर्जागरण तो इटली में हुआ परंतु इसके कारण संपूर्ण यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन हुए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है इसकी विशेषताएं, है ना, फीचर को इन्होंने बताने की कोशिश की थी कुछ पॉइंट के आधार पर, आविष्कार, नई खोज, व्यक्तिगत, मानववाद, मगर कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें मिसिंग हो जाती हैं, छूट जाती हैं। 6 नंबर में राइटिंग अच्छा है, लिखा इन्होंने ठीक ठाक है, तो 3 नंबर दिया जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट, ये यहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था चरण पादुका संहार। चरण पादुका संहार पर प्रकाश डालिए, फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन की भूमिका ये इन्होंने किया नहीं है, तो चरण पादुका संहार ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। उर्मिल नदी के किनारे 1930 में छतरपुर में हुआ, जिसमें कुछ लोगों द्वारा शांतिपूर्ण सभा करने हेतु एकत्रित किए, परंतु फिशर ने बिना पूर्व सूचना के गोली चलाना प्रारंभ कर दी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, 21 लोग घायल हुए। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसकी जांच के लिए समिति गठित की गई। बस इतना सा है। अब अगर इसको हम पढ़ें 100 शब्दों के अकॉर्डिंग इसको चलें, तो 100 शब्द मतलब एक पेज। इसी को चरण पादुका संहार को आप ऐसा लिखें, कारण है ना, स्थान, घटना, परिणाम, मोर इफेक्टिव, मोर इम्प्रेसिव हो जाता है। इस कंडीशन में 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा वो। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। इसके अगला पार्ट अगले वीडियो में मैं चेक करके बताऊंगा। सो थैंक यू, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो उसमें कमेंट में छोड़ सकते हैं।